तो कहानी की शुरुआत एक काफी पुराने शिप को दिखाने से होती है। इसे दोबारा ठीक करके नया बनाकर एक ग्रुप इसमें अपने सफर पर निकला था। इस ग्रुप में तकरीबन 60 लोग थे, जिनमें सबसे पहले हमें कोरिया का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। उसका बेटा भी आया था जिसका नाम एडम होता है। एक गुंडा भी था जिसके साथ उसके बहुत सारे आदमी थे। गुंडा प्रेसिडेंट इन्हें एडम के डैड के पास आकर पूछता है, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताइए, मैं फौरन लेकर आऊंगा। सर वो जवाब देता है कि नहीं फिलहाल नहीं, पर अगर हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ एक बड़ा आदमी भी था जो शिप की मिट्टी को ब्रश से इकट्ठा करके एक कप में डाल रहा होता है। पास बैठी एक लड़की ईव जो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी, वो बुरे आदमी को ये करते हुए देखकर काफी हैरान हुई। पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी जमा क्यों कर रहे हैं आप? इस पर बूढ़ा आदमी ईव को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराने लगता है। अब प्रेसिडेंट को खास सबसे वीआईपी केबिन दिया जाता है, जो देखकर तीन मॉडल्स को बहुत गुस्सा आया। वो गुंडी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, हमने भी तो उतने ही पैसे भरे हैं ना, तो फिर वीआईपी केबिन प्रेसिडेंट को ही क्यों मिल रहा है? इस पर गुंडा उन्हें डांटने लगा कि ज्यादा सवाल मत करो, चुप हो जाओ। पर यहाँ ईव का हस्बैंड भी इन मॉडल्स का ही साथ देता है, कहने लगा कि वो ठीक ही तो कह रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सुनकर गुंडे के लोग उसे पकड़कर धमकाने लगे कि सवाल जवाब करनी है या अपनी जान प्यारी है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी वाइफ को लो और यहाँ से बाहर चली जाओ। उनकी धमकी सुनकर ईव घबरा गई, अपने हस्बैंड को लेकर बाहर आ जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी तरबूज के कुछ बीज उस कप में डालता है, इसमें वो मिट्टी बह रहा था, असल में ये पौधे उगाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ईव काफी हैरान रह जाती है कि भला ये क्या करना चाह रहा है। मॉडल्स गुंडों के साथियों के साथ इंजॉय कर रही थी, जबकि प्रेसिडेंट इस जगह पर खड़ा होकर ईव को घूर रहा था। ये चीज नोटिस करके गुंडा प्रेसिडेंट के पास आया, कहता है क्या बात है सर, पसंद आ गई वो लड़की? अगर ऐसी बात है तो आप फिक्र ना कीजिए, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। अब थोड़ी देर बाद गुंडे के साथी उस जगह पर हमला कर देती है जहाँ ईव और उसका हस्बैंड सो रही थी। वो उसके हस्बैंड को काफी मारने के बाद ईव के साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगी। गुंडा उसके हस्बैंड को चाकू से मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर उसे समंदर में फेंक देता है। ये करने के बाद वो ईव को बेहोश करके प्रेसिडेंट के पास लेकर गया, जहाँ पहले प्रेसिडेंट फिर उसके बेटे एडम और गुंडे के कई साथियों ने मिलकर उसके साथ बहुत बुरा किया। जब उसे होश आई तो वो बेचारी काफी बुरी हालत में बाहर आई। वो गुंडे के पास आकर उसे मारती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो हंसकर जवाब देता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो चाकू से मारकर मैंने समंदर में फेंक दिया है। अब उसकी इन फजूल बातों पर ईव को यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आगे बढ़ी और जब अपने कमरे के पास आती है तो उसे बाहर अपने हस्बैंड का जूता पड़ा हुआ दिखता है, जिसके पास वो सारा खून भी पड़ा हुआ था। ये देखकर ईव काफी टूट गई, घोट फूट कर रोने लगती है और वो भी पानी में कूद कर मर जाना चाहती है। वो कूदने ही वाली थी तभी वो बूढ़ा आदमी आकर उसे रोक लेता है और ईव की जान बचा देता है। अब हमें पूरे शिप का हाल दिखाया गया, जहाँ सारे मुसाफिर और बाकी लोग शराब पीकर सो रहे थे। अब जब ये अगली सुबह उठे तो ये देखकर इनकी होश उड़ गई कि इनकी शिप पानी में नहीं चल रही है बल्कि हवा में काफी ऊपर उड़ रही है। ये सारा नजारा वहाँ पर खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी देख रहा था, वो हैरान नहीं था। इसी वजह से ईव को उस पर शक हुआ, जैसे ही सब जानता हो, इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगी और उसका पीछा भी करती है। जहाँ हम देखते हैं कि जो बीज बूढ़े आदमी ने डाली थी वहाँ से अब छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं और जो दो अंडे मशीन में रखे थे उनमें से भी चिकन निकल गई है। अब प्रेसिडेंट कैप्टन की केबिन में जाकर उसे पूछता है कि ये शिप हवा में कैसे आई और अब हम कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन जो खुद भी काफी घबराया हुआ था कहता है, मैं खुद नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, रडार भी काम नहीं कर रहा जो बता सके कि इस वक्त हम कहाँ और कहाँ जा रहे हैं। ऊपर से खाना भी हमारे पास कम है जो 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सारे मुसाफिर काफी घबरा गए और उस केबिन का दरवाजा तोड़ने लगती है जहाँ खाना रखा हुआ था। तब प्रेसिडेंट सबको रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, खाना सबको ही बराबर दिया जाएगा, पर कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए गुंडा यहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो गन पॉइंट पर सबको चुप करवाता है। अब प्रेसिडेंट कैप्टन को कहता है कि इनमें से किसी को खाना दो या ना दो, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए, टाइम पर पहुंच जाए हमारा खाना। पर ये चीज कैप्टन को पसंद नहीं आई, इसीलिए वो उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन गुंडा उसे भी गन दिखाकर धमकाने लगा। ये चीज कैप्टन से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपने शिप के लोगों से मीटिंग करता है, कहने लगा कि ये प्रेसिडेंट तो बहुत ही लालची इंसान है, ऊपर से इसने अपने साथ वो गुंडा रखा हुआ है और अब अगर हमें उनका मुकाबला करना है, उन्हें रोकना है, तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं ये शिप दूसरी जंग की है, तो हो सकता है इसमें हमें हथियार ही मिल जाए। ये कहने के बाद वो सब लोग शिप में हथियार ढूंढने लगे, जहाँ इन्हें बॉम्ब्स का भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है जिन्हें ये अपने पास रख लेते हैं।
अम्मो सासुरा को सिर्फ थोड़े थोड़े चावल ही खाने को दिए जा रही थी जो वहाँ गुंडे की आदमी सबको दे रही थी। अब इतने से चावल देकर कुछ मुसाफिर पूछते हैं कि इतने से चावल इनसे तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। तब गुंडे का आदमी कहता है कि चुपकर के खा लो, सबको यही दिया जा रहा है। पर वो नहीं सुनते और बहुत सारे मुसाफिर उनका पीछा करते करते प्रेसिडेंट के कैबिन में आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो प्रेसिडेंट और उसके लोग अलग अलग तरह के खाने खा रहे हैं, वो भी पेट भर के। ये देखकर सभी मुसाफिरों को बहुत गुस्सा आता है। गुंडा यहाँ दोबारा उन्हें गन दिखाकर धमकाने लगा कि मुंह बंद चुप करके रहो। अब वो मुसाफिर कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए बेचारे डर कर वहाँ से चले जाते हैं। एक बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछती है कि दादाजी आप ये पौधे क्यों गा रहे हैं, पर इस बार भी वो मुस्कुराने के अलावा और कोई जवाब नहीं देता। अब प्रेसिडेंट दोबारा कैप्टन से पूछता है कि ये शिप कहाँ जा रही है। इस पर कैप्टन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर प्रेसिडेंट को इतना गुस्सा आया कि वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है, पर कैप्टन चुपचाप खड़ा रहा। सारे हालात की वजह से तंग आकर ई प्रेसिडेंट के पास जाती है और उसे खूब बातें सुनाती है। ये सुनकर गुंडा जैसे उसके पास आया उसके साथ बदतमीजी करने उसे पकड़ने, तो तभी प्रेसिडेंट का बेटा एडम सामने आकर गुंडे को ऐसे करने से रोक देता है और एफ को बचाकर वहां से ले गया। और अब ये दोनों बूढ़े आदमी के पास आ जाते हैं जहाँ वो अब भी पौधे ही उगा रहा था जो पहले से बड़े हो गए थे। चोरी छुपके कुछ मुसाफिर खाना चुराने की कोशिश करने लगे लेकिन उन्हें गुंडे के लोगों ने जान से मारकर गिरा दिया जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट काफी खुश हो गया और वो गुंडे को इस काम के लिए शाबाशी देता है। अब गुंडा प्रेसिडेंट को एक गन देता है कि आप इसे रख लो अपनी हिफाजत के लिए, अगर कभी मेरे पास ना हुआ तो ये काम आ सकती है। दोपहर को प्रेसिडेंट चिकन बड़े मजे लेने के खा रहा था, एक लेग पीस को वो वहाँ मुसाफिरों के सामने फेंक देता है, जो देखकर एक लेग पीस को उठाने के लिए वहाँ मुसाफिरों की भीड़ लग जाती है। वो उसके लिए आपस में लड़ने लगे, धक्का मुक्की हो जाती है क्योंकि वो बहुत भूखे हैं, उन्हें कब से खाना नहीं मिला। ये देखकर एडम को अपने डैड प्रेसिडेंट पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो उन्हें डांटने लगा कि डैड आप कितने लालची और जालिम इंसान है, इन लोगों के साथ आखिर ऐसे सलूक क्यों कर रहे हैं। इस पर वो जवाब देता है कि बेटा अगर हमें जिंदा रहना है तो इन सबको मरना होगा, तुम इसे बस कोई ड्रामे या फिल्म का सीन समझो और एंजॉय करो। उधर बूढ़ा आदमी शिप के बाथरूम से यूरिन जमा करके लाता है और उसे पौधों पर डाल देता है, जो देखकर ईव कहती है दादाजी ये क्या गंदे काम कर रहे हैं आप, भला इससे पौधों को क्या फर्क पड़ेगा। इस पर भी वो कोई जवाब नहीं देता सिवाय मुस्कुराने की। तब ईव को उल्टी होने लगी। ये देखकर बूढ़ा आदमी उसे चेक करता है और जानकारी देता है कि तुम तो माँ बनने वाली हो, अब उसका हस्बैंड तो रहा नहीं और अकेले ही वो इस बच्चे को ना पाल सकती थी, इसीलिए उसे मारने का सोचती है। उसने चाकू उठा लिया और जैसे अपने पेट में मारने लगी एक वक्त पर बूढ़ा आदमी उसे रोक कर उसकी और बच्चे दोनों की जान बचा लेता है। एडम उसे ये बात पता चल गई थी कि ईव माँ बनने वाली है और उसे खाना चाहिए, इसलिए वो खाना खाते वक्त केक के कुछ पीस छुपा कर रख लेता है और उन्हें ले जाकर ईव को दे देता है। पर ईव वो खाना लेने से इनकार कर देती है, कहती है मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, तुम्हारे हाथ से खाना लेना तो दूर की बात है क्योंकि जब सब लोगों ने मेरा फायदा उठाया जब मैं बेहोश थी तो उनमें तुम भी शामिल थी। जिस पर एडम कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है और ये ले लो, प्लीज तुम्हें इसकी जरूरत है, पर ईव भी अभी इनकार ही करती है। अब बूढ़ा आदमी एडम की हाथों से वो खाना लेकर ईव को देता है तो तब जाकर वो उसे खाती है। अब ऐसे ही शाम हो गई, लोगों की भूख से बुरी हालत थी इसीलिए वो खाने वाले केबिन में जाकर खाना चुराने लगती है। पर तभी वहाँ प्रेसिडेंट आ गया और उनमें से एक को गोली मारकर कहता है कि जितना भी खाना उठाया है जल्दी से वो वापस रखो। अब मुसाफिर डर गए और मजबूरन खाना वापस रख देते हैं। मरे हुए मुसाफिर के पास बूढ़ा आदमी आया और उसे उठाकर अपनी जगह पर ले जाता है। वो उसकी लाश के पहले टुकड़े टुकड़े करता है, फिर उन्हें मशीन में डालकर पीस कर पौधों में डालता है खाद के तौर पर ताकि पौधे और जल्दी से उगने लगे। ये देखकर ईव की हालत खराब हो गई, वो रोने लगती है, साथ में ये भी सोचने लगती है कि कहीं ये बूढ़ा आदमी पागल तो नहीं जो ऐसी हरकतें करता है। कैप्टन प्रेसिडेंट के केबिन में बॉम्ब फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसकी चीचड़ी उड़ जाए, लेकिन ठीक वक्त पर वो बॉम्ब को गिरा देता है और ऐसे उसकी जान बच जाती है। फिर वो बाहर आया गन लेकर, गन पॉइंट पर ही कैप्टन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये बॉम्ब कहाँ से आया। तब मजबूरन कैप्टन को बताना पड़ा, इसलिए प्रेसिडेंट बॉम्ब का वो पूरा भरा हुआ बॉक्स ही उसे हथियार देता है। अब प्रेसिडेंट के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन बॉम्ब से सारे मुसाफिरों को ही उड़ा दूं। एडम दोबारा से ईव के पास आ जाता है जहाँ ईव उसे बताती है कि वो बूढ़ा आदमी हर बार मुझे मरने से बचा लेता है, पता नहीं क्यों, शायद कोई वजह है जो वो ऐसा करता है। जब मैं शिप से कूद रही थी तब उसने मेरी जान बचाई और जब मैंने अपने पेट में चाकू मारने की कोशिश की तभी उसी ने ही मेरी जान बचाई।
थोड़ी देर बाद गुंडा ऐलान करता है कि अब सब मुसाफिरों के लिए हमने एक कमरे में ढेर सारा खाना रख दिया है, जिसे भी चाहिए वो वहाँ जाकर ले ले। ये देखकर सभी लोग जल्दी से उस कमरे की तरफ भागने लगे। ये देखकर ईव भी वहाँ जाने लगती है, पर पहले की तरह इस बार भी बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। सारे मुसाफिर जब उस कमरे में आ गई तो गुंडे के लोग उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और अब एक सुराख के जरिए प्रेसिडेंट बहुत सारे बॉम्ब्स अंदर गिराना शुरू कर देता है। कुछ मुसाफिर ये देखकर दरवाजा खोलकर जल्दी से वहाँ से बाहर आने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजों पर खड़े गुंडे के लोग उन पर हमला करके बुरी तरह सबको मार गिराते हैं। अब ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए अपना फुल जोर लगाकर कुछ मुसाफिर बाहर आए और गुंडे के आदमी से लड़ने लगे। इस तरह वहाँ जंग का एक माहौल बन गया, सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं, एक दूसरे के जान लेने में लगे हुए हैं। कुछ देर में पूरा शहर खून से लथपथ हो जाता है, कुछ लोग बॉम्ब से मारे जाते हैं तो कुछ ऐसे आपस में लड़कर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और अब यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। प्रेसिडेंट गन पॉइंट पर सबसे पूछता है कि कैप्टन कहाँ है, जल्दी ढूंढो उसे, वो कहाँ गया, जबकि कैप्टन तो सारे खाने पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा रहा था, क्योंकि इस खाने की वजह से ये सब हुआ और अब अगर मरेंगे तो सब मिलकर मरेंगे। वहां तब एक गुंडा आ गया, वो कैप्टन को शूट करके उसे मार देता है और फिर जला हुआ खाना ही खाने लगा, लेकिन फिर थूक देता है क्योंकि ये उसे खाया ही नहीं जा रहा था। बूढ़ा आदमी इन लाशों को अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचता है, वो बारी बारी सबके टुकड़े करता है और ईव को भी चाकू देता है ऐसा करने के लिए। पहले पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर रोती हुई उसने चाकू पकड़ ही लिया और अब वो भी लाशों के टुकड़े करने लगती है। बूढ़ा आदमी सब लाशों को बारीक पीस कर पौधों में डालने की खाद बनाता है और जो लाशें बच गई थी उनका भी इंतजाम उसने कर लिया था। वो लाशों के कटे हुए हिस्सों में कुछ बीज डालकर उनमें मिट्टी भरता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसे करने से ये बीज पौधे बन जाएंगे। अब ईव नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मदद करती रहती है और पौधे भी लगाती है। अब एडम को काफी गुस्सा था, वो अपने डैड को डांटता है कि देख लिया आपने अपने स्टूपिड से प्लान का नतीजा, जो लालच की वजह से आपने बनाया था, सब मारे गए और खाना भी जलकर राख हो गया। जिस खाने के लिए सब किया अब खाना कहाँ से लाओगे और क्या खाओगे। तब उसके डैड कहती है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, और खाना बहुत जरूरी चीज है, अगर ऐसी नौबत आई कि तुम्हें मुझे मारकर खाना पड़े तो बेशक मुझे मार डालना, क्योंकि अपनी भूख के लिए अगर मुझे तुम्हें मारना हुआ तो मैं मार दूंगा और खा जाऊंगा। ऐसे दिन गुजरते गए। हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने जो बीज इंसान के जिस्म पे लगाए थे वहां से पूरे दिन से उग रहे हैं और जो दो चिकन थे वो भी बड़े होकर अब मुर्गा और मुर्गी बन गए हैं। उन्हें देखकर ईव बूढ़े आदमी से कहती है कि दादाजी क्यों ना हम इन मुर्गियों को ही खा लें बजाय इंसानों का मांस खाने के। अब वो बूढ़ा आदमी जो इतनी देर से बोला नहीं था अब बोल पड़ता है, कहने लगा कि बेटा अगर हमने ये मुर्गियां खा ली तो इनके बाद क्या खाएंगे, हमें भी सिर्फ अंडे ही खाने हैं, ताकि मुर्गियां जिंदा रहकर और अंडे देती रही, ऐसी हमारे पास खाने की चीज भी होगी और मुर्गियां बड़ी होकर और अंडे देती रहेंगी और फिर हमारे पास कई सारी मुर्गियां हो जाएंगी, तब फिर हम इन मुर्गियों को खा सकते हैं। अब ईव को जिंदा देखकर गुंडा उसे मारने आया, तब उसे रोककर एडम कहता है कि इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। गुंडा कहता है निकी और पूछ पूछ और अब एडम को मारने पर उतर आया, लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ प्रेसिडेंट आकर गुंडे को गोली मार देता है। वो मरा नहीं क्योंकि गोली उसके बाजू पर लगी थी, तो अब उसे मारने के लिए प्रेसिडेंट ने जैसी गोली चलाई तो गन खाली हो चुकी थी। गुंडा यहाँ अपनी गन से ही प्रेसिडेंट को शूट कर देता है, गोली उसके सीने पर लगी, वो गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर एडम काफी घबरा गया, उसे ईव की फिक्र करने लगी, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और गुंडा भी उनका पीछा करने लगा। अब बूढ़ा आदमी प्रेसिडेंट की लाश के पास आता है और उसकी गोली वाली जगह पर बीज और मिट्टी डाल देता है। उनका पीछे करते करते गुंडा आखिरकार उसने ईव और एडम को ढूंढ लिया था। इस बार एडम उससे लड़ता है, गुंडा जब उसे मार रहा था तो मौका पाकर ईव ने उसकी गन निकाल ली, उसने पहले उसके सीने पर शूट किया और फिर सर पर, जिससे गुंडा वहीं पर मारा जाता है। उसके शर्ट खोलकर गोली वाली जगह पर ईव मिट्टी डाल देती है, जो चीज उसने बूढ़े आदमी से सीखी थी। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि लाशों में से और पौधे उग गए हैं जो काफी बड़े हो गए हैं। एडम बूढ़े आदमी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज वो मुर्गियां मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें खा सकूं। अब यह बूढ़ा आदमी उसे मुर्गी तो नहीं देता बल्कि कोई और मांस का टुकड़ा उसे खाने को देता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। अगले दिन एडम ने दोबारा खाना मांगा तो इस बार भी बूढ़ा आदमी उसे मांस का टुकड़ा खाने को देता है। ये देखकर ईव काफी हैरान हुई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी को मांस के टुकड़े मिल कहाँ से रहे, क्योंकि सारे लोग तो पौधे बन गए हैं। ये बात उसने बूढ़े आदमी से पूछी, लेकिन इस बार भी उसने जवाब सिर्फ मुस्कुराहट ही दी। यहाँ ये बात सामने आती है कि जब भी एडम खाना मांगता है तो बूढ़ा आदमी उसे खुद अपना ही मांस काट कर देता है। और फिर ऐसे एक दिन बूढ़े आदमी को एक आइडिया आया, उसने अपने जिस्म का सारा ही मांस काट कर एक बाल्टी में डाल दिया जितना वो काट सकता था और ऐसे ही जख्मी हालत में खून में लथपथ वो समंदर में कूद जाता है और यहाँ उसका भी खेल खत्म। हालांकि वो बेचारा सबकी भलाई चाहता था। ये बात जब ईव को पता चली तो उसे काफी दुख हुआ, वो सोचनी पड़ जाती है कि आखिर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया।
फिर अभी तो ना कुछ दिन बुढ़े आदमी का मांस खाकर गुजारती है, लेकिन एक दिन जब वो भी खत्म हो गया तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है, पर ईव उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम बेशक मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर खा लो, लेकिन इन मुर्गियों को मत काटो, इन्हें दादाजी ने इतनी मेहनत से पाल कर बड़ा किया। लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है, पर इससे पहले वो ऐसा करता है ईव एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आई। उसने कुल्हाड़ी उसकी कमर में दी मारी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई और ऐसे एडम की भी मौत हो जाती है। असल में यहाँ ईव जान गई थी कि इन मुर्गियों को ही बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने खुद को कुर्बान कर दिया, अपने जिस्म के टुकड़े कर दिए, मतलब ये मुर्गियां उन्हें इतनी जरूरी थी। इसलिए यहाँ ईव को भी लगा कि एडम से जरूरी यहाँ और मुर्गियों की जान बचाना है, तो उसे एक कदम उठाना पड़ा। वो एक जगह बैठकर एडम का मांस खा रही होती है और अब वो इस पूरे शिप में बिल्कुल अकेली थी। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब वो बीज जो आलू और तरबूज के बूढ़े आदमी ने उगाए थी, वो अब तरबूज और आलू उगाए थे बड़े बड़े। तब उन सब्जियों और फलों को खाकर ईव अपना गुजारा चलाती है, मुर्गियां भी और बड़ी हो गई और अंडे भी देती है। अब देखते देखते ईव अपने बच्चे को पैदा कर लेती है और उसे भी इसी शिप में रखकर पालने लगती है। और शिप की हालत को हम देखते हैं जहाँ पर पौधे और बड़ी हो गई है और अब ये शिप कम जंगल ज्यादा लग रही है। बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया था और जब एक दिन ईव उसे पौधा तोड़ना सिखा रही थी तो हमें इस शिप के बाहर और अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये शिप पौधों के जंगल का पूरा पहाड़ बन गई है। और फिर हमें पूरी दुनिया दिखाई गई जो वीरान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जिसे इंसानों का दुनिया पर से खात्मा ही हो गया हो। अब इस कहानी में हमें दिखाया गया कि कैसे यहाँ हर किसी को अपनी ही फिक्र है, अपने पेट की, अपने भूख मिटाने की। इस चीज में कुछ लोग इतने अंधे हो गए कि एक दूसरे की जान ले बैठे। पर इस माहौल में भी एक भला इंसान ऐसा था जिसने सबका भला करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने यहाँ पौधे लगाए ताकि बचे हुए लोगों को जिंदा रखा जा सके, यानी उस बूढ़े आदमी ने, क्योंकि वो जानता था कि कुदरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। उसने इसी चीज का फायदा उठाया, वो नहीं चाहता था कि मेरी मौत के साथ सब खत्म हो जाए, इसलिए उसने ईव की जान बचाकर उसे सब सिखाया। बूढ़े आदमी से सीखी हुई हर चीज को इस्तेमाल करके ईव की शिप को जंगल बना चुकी है। वो यहाँ अपनी और नेचर कुदरत की हिफाजत करती है, जो हमें भी करनी चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।